अरबियन सी में दो दो खूंखार वॉरशिपों के डिप्लॉय करने के बाद भी रेड सी और अरबियन सी में हो रहे शिपों पर हमले नहीं रुके और एक बार फिर से भारत आ रहे एक शिप पर हमला हो गया। लेकिन इस हमले को लेकर इस बार एक शॉकिंग अपडेट आई है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, क्योंकि अब तक हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर भारत आ रहे शिप पर हमला किया किसने था। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर ये हमला हुआ कहाँ, हुआ कैसे और किसने किया है और अब आगे भारत का क्या एक्शन होगा। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, यहाँ तक कि भारत भी पूरी तरीके से हैरान हो गया है। क्योंकि इस द हिंदू के आर्टिकल में पेंटागन ने कहा है कि भारत के पास में जिस टैंकर पर हमला हुआ है उस ड्रोन को ईरान से दागा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने भारत आ रहे एक टैंकर शिप पर हमला किया है और अब इस हमले के बाद क्या भारत और ईरान के बीच में एक नई टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रेड सी और अरबियन सी के अंदर लगातार हौतीज मिलिटेंट द्वारा शिपों पर हमले हो रहे हैं और ये हमले इतने बढ़ गए कि दुनिया भर के देशों ने अपने शिपों की डायरेक्शन ही बदल दी। क्योंकि जो शिप यूरोप से होते हुए इजराइल और इजराइल से रेड सी से होते हुए भारत तक आते थे, अब वो शिप अफ्रीकी रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ही हौतीज मिलिटेंट के साथ मिलकर रेड सी को ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि हौतीज मिलिटेंट ने जब रेड सी के अंदर शिपों पर हमले करने शुरू किए थे तो तब उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ इजराइल से ही रिलेटेड शिपों पर हमले करेंगे क्योंकि उनकी दुश्मनी इजराइल से है और इजराइल हमास पर हमले कर रहा है। जब तक हमास इजराइल पर हमले नहीं रोकेगा तब तक रेड सी के अंदर इजराइल का कोई भी शिप नहीं गुजरेगा। लेकिन अरबियन ओशियन के अंदर इस बार जिस शिप पर हमला हुआ है वो भारत का था, उस शिप का इजराइल से कोई भी लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि उस शिप पर भारत का फ्लैग लगा हुआ था। इसके बाद भी भारत के इस शिप पर हमला हुआ है, हालांकि इंडियन नेवी हेल्प के लिए इस टैंकर के पास पहुँच चुकी है। लेकिन ये हमला हौतीज आतंकवादियों ने किया है या फिर ईरान ने, इस बात का पता लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन यूएस ने जो दावा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन अमेरिका की बातों पर भरोसा करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच में भयंकर टेंशन है और अमेरिका और इजराइल ईरान के कट्टर दुश्मन हैं और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर ईरान पर भयंकर प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत और ईरान के रिश्ते काफी स्ट्रॉन्ग हैं और भारत ईरान के साथ लगातार व्यापार कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने पहली बार खुले तौर पर ईरान पर हमला किया है और पहली बार खुलकर ये बोला है कि ईरान के एक ड्रोन ने भारत के शिप पर हमला किया है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान को अलग थलग फेंकना चाहता है, इसलिए अमेरिका ईरान पर इस हमले के आरोप लगाकर भारत और ईरान के बीच में भी टेंशन लाना चाहता है। हालांकि अभी तक भारत ने अमेरिका के इस दावे का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।